नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा Y91, Y93, Y95 के अंदर चार्जिंग रिंगर और आपका माइक और स्पीकर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको चार फॉल्ट एक ही वीडियो के अंदर बना रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लेआउट है और ये हमारा बोर्ड है Y93 का। इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि कैसे फॉल्ट को हम सॉर्ट आउट करें, चार्जिंग माइक स्पीकर या अपना रिंगर का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मेन सब पत्ता है जिसका चार्जिंग का ये प्लस पॉइंट है हमारा। यहाँ से तो ये जो है, यहाँ कैपेसिटर जो लगा हुआ है, कैपेसिटर से होते हुए हमारे प्लस पॉइंट इसका चार्जिंग आईसी तक जाएगा। और दोस्तों, इसमें दो तरह के बोर्ड होते हैं, कि हमारा क्वालकॉम सेट का आता है सेट और एक हमारा आता है मीडियाटेक का। तो दोस्तों, ये जो मैंने ओपन कर रखा है, ये मॉडल हमारा मीडियाटेक का है। ये चार्जिंग सेक्शन और यहाँ से सप्लाई होके ये हमारी आईसी है चार्जिंग की, और ये यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर चार्जिंग की दिक्कत है, अगर चार्जिंग कनेक्ट नहीं होता है तो और सप्लाई नहीं आती है, तो हम यहाँ से जंपर मारते। और ये हमारा PMIC है और ये अपना यहाँ से माइक के कनेक्शन से। तो जैसे आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं, दोस्तों आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको तीनों फॉल्ट पूरे सर्किट डायग्राम में मैंने मेंशन कर रखा है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक न्यू मॉडल जो भी है हमारे हैं, जिनके फॉल्ट हमें काफ़ी यूट्यूब या गूगल पे हमें नहीं मिलता है, उन फ़ोनों के बारे में, चाहे लाइट रोल आईसी के बारे में या ग्राफिक आईसी या कोई भी एनीवन कोई भी फॉल्ट के बारे में आप चाहते हैं, इसी टाइप की मैं वीडियो सर्किट डायग्राम के साथ आपको लेआउट के साथ बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आए। तो अभी मैंने इसमें आपको चार फॉल्ट बताया, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको और भी जिसके बारे में जानना है, इन बोर्डों के बारे में या अदरवाइज़ किसी भी एप्पल हो, आई कोई भी हो, एनी वन कोई भी बोर्ड हो, उनके लेआउट के बारे में, उसके सारे कहाँ पे कौन सी आईसी लगी पड़ी है, लाइट आईसी कहाँ है, चार्जिंग आईसी कहाँ है, उसकी ऑडियो आईसी कहाँ है, या नेटवर्क में कहाँ से नो सर्विस आता है, ये सारे फॉल्ट के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारे सर्किट आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इस सर्किट को। अगर ये फॉल्ट आती है तो आप इस सर्किट की सहायता से आप ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको वैसे मैनुअल भी बता देता हूँ, ये हमारा वीवो का वाई, ये हमारे चार मॉडलों में काम करेगा, Y91 और अपना 93, 95 और Y19, ये चारों मॉडल पे, पांच मॉडल पे काम करेगा। और सेम प्रोसेस, सेम सर्किट है, कुछ भी ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम सर्किट साथ सारे बोर्ड हैं, बस इसमें दो तरह के बोर्ड, एक क्वालकॉम है और एक मीडियाटेक है, डिफरेंस बस ये आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। जैसे कि आप देख रहे हैं Y91 का चार्जिंग डाटा कैसे बनता है, ये हमारा चार्जिंग का ये कनेक्ट सब पत्ता, मेन सब पत्ता यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, यहाँ से हमारा प्लस पॉइंट आउटपुट हो रहा है। सॉरी, इन हो रहा है, और इन होते हुए हमारा ये रेड लाइन देख रहे हैं आप कहाँ पे जा रहा है उसको। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऐसे होते हुए, ये हमारा चार्जिंग ऐसे तक जाता है कैपेसिटर से होते हुए। तो
दोस्तों, अगर शॉर्टिंग की दिक्कत है तो इस कैपेसिटर को ज़रूर चेक करें, इसके बगल में लगे हुए जितने भी कैपेसिटर चेक करें, और नॉट चार्जिंग या बैड चार्जिंग कोई भी इस तरह की कोई भी एरर है तो आप ये सर्किट में इस वाले कनेक्शन को चेक करें, जो कि हमारा PMI, अगर क्वालकॉम का होगा तो PMI और MediaTek का होगा तो इस वाले IC से, ये हमारा इतना का बैटरी IC भी इसको हम बोल सकते हैं, और एक तरह के इसको सेकेंडरी पावर IC भी बोल सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है चार्जिंग शो करता है बट चार्जिंग आपका परसेंटेज बहुत स्लो बढ़ता है या बढ़ता ही नहीं है, तो उस दौरान आपको प्लस पॉइंट का ये वाला सर्किट ट्रैक करना है। जैसे कि ये भी हमारी वही सेकेंडरी पावर IC तक जाएगा कनेक्शन, यहाँ से तो ये आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर से होते हुए इस IC में एंटर होता है। अगर ये कनेक्शन अगर आपका एरर है या कहीं से मिस हो गया है तो आपके चार्जिंग कम्प्लीटली चार्ज नहीं होगा और बैटरी फास्ट चार्ज नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान से ये सब चीज़ें देख लें आप, इसलिए मैंने आपको बाकायदा लेआउट से सॉर्ट आउट जो भी फॉल्ट है इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसमें आप देखिए, इसमें आपका Y91 का मैंने दूसरा जो हमारा लेआउट है, इसमें माइक स्पीकर बजर एंड रिंगर इनका ट्रैक हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेन सब पत्ता जहाँ पे लगता है ये कनेक्टर हमारा, ये है ये हमारा चार्जिंग का हो गया और ये हमारा हो गया स्पीकर का। ये देख पा रही हैं जो पीले जो कलर का हमारा, ये हमारा ऑडियो के हैं दोनों, जो हमारा रिंगर के लिए जाता है वायर जो कनेक्शन उसके हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से होते हुए हमारा ये जाएगा कॉइल पे, ये हमारा कॉइल है दोनों। इसको हम अगर ये कभी ख़राब हो जाता है हम इसको जंपर लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूज और कॉइल पे जंपर लगता है। और ये हमारी ऑडियो IC है, अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ पे चेक करेंगे रिंगर से। और हैंड फ्री सिंबल जैसे ऐसी कोई दिक्कत आए तो सर्किट लगे, ये PMI है जो सेकेंडरी पावर IC है, उसको हम चेंज करके या उसके कनेक्शन को चेक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक हैं ये हमारे माइक के हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये हमारे स्पीकर का टिप्स है, जो ईयर स्पीकर होता है उसका हमारा टिप्स है। और इसका आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये कैपेसिटर से होते हुए हमारा सीधा पावर IC में, देखिए पावर IC में जा रहा है। तो अगर आप यहाँ तक ट्रैक चेक कर ले, अगर कोई ट्रैक का इश्यू होता है तो यहाँ तक अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता तो हम इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ये हमारा माइक का सेक्शन है, ये जो आप दो देख पा रहे हैं वॉलेट लाइन, ये हमारा माइक का सेक्शन है। ये दोनों हमारा माइक का सेक्शन है, अगर माइक में दिक्कत आती है आपको तो इस वाले ट्रैक को हम चेक करेंगे, नहीं आएगा तो यहाँ से हम जंपर उठा सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट आउट हो गया माइक का फॉल्ट, माइक स्पीकर एंड बजर। अब आते हैं हम वीवो Y91, ये तीनों मॉडल के क्वालकॉम CPU के जो पावर IC क्वालकॉम के, उस पर हम चार्जिंग डाटा कैसे, इसका कनेक्शन कहाँ से कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ क्लियर में कि ये जो क्वालकॉम का हो या आपका MediaTek का हो, आपका समथिंग सारे कनेक्शन सेम ही होते हैं, बट इसमें थोड़ी सी IC का डिज़ाइन चेंज हुआ पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा अगर क्वालकॉम का है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो IC है ये चार्जिंग IC, यहाँ पर ये फिल्टर एक तरह के लगा हुआ है, ड्राइवर IC नहीं कह सकते इसको, फिल्टर ही कहेंगे हम। ये अगर कभी ख़राब भी हो जाता तो यहाँ से हम जंपर करके इस सप्लाई को हम बाईपास कर सकते हैं। और क्वालकॉम और MediaTek में यहाँ पे ग्राफिक IC लगी हुई, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और ये हमारा चार्जिंग सेक्शन होते हुए फ्यूज से होते हुए ये हमारा वही सेम सेकेंडरी PMI IC को, ये हमें सारे कनेक्शन चेंज चेक करने होंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत आई चार्जिंग से रिलेटेड। चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा हो या माइक नहीं काम कर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ऑडियो के सेक्शन में ये सब हमें चेक करना है।
वही सेम, अगर कभी बैटरी का एरर आए या आपका चार्जिंग फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है या चार्जिंग बहुत ही स्लो या चार्ज ही नहीं बढ़ रहा है, शो कर रहा है फिर भी, तो वही सेम चीज़, वही सेम कनेक्शन वैसे होते हुए। बट इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने, इसमें जो ट्रैक घूम के जाएगा जो कि मतलब सीधा कैपेसिटर्स उसमें जा रहा था, इसमें कैपेसिटर्स होते हुए रेजिस्टेंस होते हुए एक यहाँ पे डाइवोट लगा, उसके वो करके आपके पीएमआई आईसी जो पावर आईसी सेकेंडरी है उसके अंदर ही एंटर करेगा। तो ये हमारा क्वालकॉम का चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम क्वालकॉम के माइक स्पीकर और रिंगर के बारे में जानेंगे। देख लीजिए वीवो Y90, Y93, Y95, Y90 का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हम आपको 91 का होता, 93, 95 और 19 का ये सेम है, बोर्ड सेम कनेक्शन है, सारा चीज़ ही आपको समथिंग सब कुछ सेम ही मिलेगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा रिंगर का कनेक्शन जा रहा है सेम जगह जैसे आपने देखा था वहीं पे, सेम वो क्वाइल से होते हुए ये आपका डायरेक्ट ऑडियो आईसी के अंदर एंटर हो रहा है। सेम आपको मीडियो Y91 और 95 को सेम आपको जो ऑडियो आईसी का सेक्शन है वो आपको वहीं मिलेगा, और उसी जगह पे ये आपको मेन जो सेकेंडरी पावर आईसी वो भी आपको उसी जगह पे मिलेगा। बट थोड़े से कनेक्शन चेंज हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है बस, जबकि मैंने बकायदा आपको इसमें दिखा रखा है, आप ध्यान से अगर इसको देखें तो आपको खुद ऐसे ही समझ में आ जाएगा सेकेंड वायर फर्स्ट वायर कैसे कैसे क्या गया है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाना। ये हमारा माइक का सेक्शन है, जैसे कि आपने देखा था उस साइड से आपको राइट हैंड पे आ रहा था, यहाँ पे ऊपर के साइड से आ रहा है। ये हमारा वही स्पीकर का टिप्स है जो कि हमारा कैपेसिटर से डायरेक्ट ही आपका पावर आईसी में एंटर हो रहा है। अगर कोई स्पीकर से रिलेटेड दिक्कत आती है तो आपको, अगर ट्रैक मिस है तब तो आप जंपर से ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ट्रैक नहीं मिस है तो पावर आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी या रिवॉल्व, ये किसी से ऐसी चीज प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। Y91 का आपको मैं चार्जिंग सेक्शन बता देता हूँ बकायदा। दोस्तों आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, वही सेम आईसी जो ड्राइवर आईसी वो सेकेंडरी पावर आईसी ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। ये हमारे जो सेकंड, ये हमारा प्लस पॉइंट है और जो बीच में हमारा वायलेट लाइन जा रही है ये हमारे यूएसबी के लिए, अगर यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये जंपर से हम यूएसबी को कनेक्ट कर पाएंगे।